दोस्तों नमस्कार, निशान टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं, इस निशान टेरेनो गाड़ी के अंदर एक कंसर्न आ गया था। ये देखिए चेक इंजन लाइट आ रही है ना इसमें जिगजैग टाइप, तो ये लाइट कस्टमर की VOC ये थी। VOC मतलब वॉइस ऑफ कस्टमर, ठीक है। ये था, वो कहते थे कि गाड़ी जैसे ही मैं सेकंड गियर या थर्ड गियर में एक्सेलरेशन देता हूँ ना, उसके देने के बाद तुरंत ये लाइट आ जाती है और पिकअप डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो कोड आ रहा था DF, ये जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये वाला कोड DF120, ठीक है, ये ECM से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंड इसमें आ रहा है इसका ये सिग्नल करके, मतलब कोड जो आ रहा है ये इंजन स्पीड सिग्नल करके जो है, तो ये कोड आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग डाउट रहता है कि ECM तो ख़राब नहीं हो गया, ठीक है। बट उससे पहले छोटे छोटे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा क्या क्या चीज़ चेक करनी होती है। तो ये 30-40 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब थोड़ा सा दूसरे तीसरे गियर में जब 7-8 किलोमीटर चल जाते हैं, तब ये लाइट आती है और पिकअप डाउन और ये कोड आ जाता है। तो उससे पहले ECM ख़राब है कि नहीं है, उससे पहले क्या क्या चीज़ कंफर्म करनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद ECM लगाएंगे दूसरी गाड़ी का, लगा के गाड़ी चलाएंगे, ये कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उसमें हम कंफर्म हो जाएंगे कि ECM फॉल्टी है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे कैसे हम किस गाड़ी का क्या लगा रहे हैं, एंड आप भी ऐसा कर सकते हैं, बट हर एक चीज़ डायग्नोस करने के बाद, ठीक है। तो चलो अभी हम चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या चीज़ इसमें हमने चेक की ECM फॉल्टी होने से पहले। मतलब डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए कि ECM ख़राब है, उससे पहले उससे रिलेटेड जो सेंसर है, इंजन स्पीड सेंसर जो है, जो गियर बॉक्स पे लगा रहता है, जिसको CKP सेंसर भी बोल देते हैं, ठीक है। एंड ECM टू इंजन स्पीड सेंसर, CKP सेंसर तक की वायरिंग जो है मैं दिखाता हूँ, चलो वही सामने एक्सप्लेन करके चलो फिर। तो दोस्तों ECM ख़राब है, उससे पहले क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो सेंसर है, ये वाला जो सेंसर है जिस पे कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गियर बॉक्स पे पीछे की साइड आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस सेंसर को चेक किया जाता है प्रॉपर, इसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, प्रॉपर रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, मतलब 200 पे करके रेजिस्टेंस को चेक किया जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ओके है कि नहीं है वो चेक किया जाता है। सेंसर में डैमेज तो नहीं है कोई, ये सेंसर ख़राब तो नहीं है, वो चीज़ें चेक की जाती हैं। तीसरी चीज़, ये कनेक्टर प्रॉपर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये चीज़ भी चेक की जाती है। एंड इसके बाद जो अपना फ्लाईव्हील है उसके टीथ तो ख़राब नहीं है कोई सा भी, ठीक है। तो होता क्या है, मान लो कोई टीथ ख़राब हो जाता है या टूट जाता है, तो कभी कभी क्या होता है, सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल पाता, ठीक है। मतलब ये सेंसर, मान लो ECM का टीथ एक टूट गया उसका फ्लाईव्हील का, तो अगर वो टूट जाता है तो वो क्या करेगा, ये सेंसर डायरेक्ट नहीं करेगा और ECM को सिग्नल देगा, ठीक है। तो ECM भी इसका डाउटफुल है, बट इसका जो फ्लाईव्हील है वो भी ओके है, ये सेंसर भी चेक कर लिया है। एंड इसके बाद एक चीज़ और चेक की जाती है, इस कनेक्टर में दो वायर है, ठीक है। ये देखिए दो वायर है ना, एक वाइट है एक थोड़ा सा ब्राउन कलर का है, तो इन दोनों वायरों की कंटिन्यूटी भी चेक की जाती है। अब कंटिन्यूटी कहाँ से कहाँ तक चेक की जाती है, यहाँ से, और ये जो ECM के कनेक्टर हैं देख रहे हो, ECM के कनेक्टरों तक गाड़ी को स्टार्ट करके इनकी कंटिन्यूटी चेक की जाती है, या इग्निशन ऑन करके भी आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद एक चीज़ और, जब गाड़ी स्टार्ट कर ली जाती है तब इस पर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, ये चीज़ भी चेक की जाती है, ठीक है। तो जब कंटिन्यूटी ओके है तो सप्लाई ऑटोमेटिक आ जाती है, वो बात अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ चेक करने के बाद मैं इस चीज़ पर पहुँचा हूँ कि गाड़ी का ECM जो है वो डाउटफुल है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने चेक कर ली, ये वायरिंग वगैरह ये देख रहे हो, ये लड़के ने खोला था, इलेक्ट्रिशियन ने सब, ये दोबारा इस सबको वापस से पैक किया है, पूरी वायरिंग भी चेक की है। एंड इसके बाद ये जो ECM के कनेक्टर हैं यहाँ पर, ठीक है, ये भी प्रॉपर, जब गाड़ी आई थी ये तो ये वाला कनेक्टर टूटा हुआ था, ऊपर वाला ये, इसको भी ये देख रहे हो, तो ये कनेक्टर भी टूटा हुआ था, इसको मैंने खुद से रिपेयर करके इसको चलाया था। एंड उसके बाद थोड़े दिन तो गाड़ी चली, बट जब गाड़ी आई थी, किसी और जगह से आई थी एक्चुअली हमारे पास, तो उन्होंने बोला था ECM और वायरिंग दोनों चीज़ रिप्लेस होंगी, ठीक है। तो वायरिंग में मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने प्रॉपर कंटिन्यूटी वगैरह सारी चीज़ें चेक की इसकी, कंटिन्यूटी पे करके एक बीप साउंड आता है ना, तो वो चेक किया था, तो बीप साउंड आ रहा था, वायरिंग इसकी ओके थी।
एंड अभी हम क्या करेंगे, किसी दूसरी गाड़ी का 110 कहीं, ठीक है, 110 PSI गाड़ी है, दूसरा ECM, BCM और इमोबलाइजर, वो तीनों इसमें लगाएंगे, फिर गाड़ी को चलाएंगे एंड चला के चेक करेंगे वो लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर लाइट नहीं आई तो फिर कंफर्म हो जाएंगे कि ECM फॉल्टी है। तो अभी डालते हैं हम दूसरी गाड़ी के सामान। तो हम ले आए हैं, देखिए BCM होता है, ठीक है, निसान टरेनो का BCM है 110 का, ठीक है, ये दो कनेक्टर इसमें रहते हैं। एंड ये हो गया ECM, ठीक है, तो दूसरी गाड़ी का ये खोल लिया। एंड इसके साथ ये इमोबलाइज़र ज़रूर लगाना होता है, इमोबलाइज़र है ये, ठीक है। एंड ये उस गाड़ी की चाबी जिसके हम ECM BCM लाए हैं, अभी इनको इसमें लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर चलेंगे रोड टेस्ट पे। तो पहले बदलेंगे ECM, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल का वो खोल लेना है, ठीक है, बैटरी का टर्मिनल। एंड ये यहाँ पर ECM है, ये देखिए दो बोल्ट ये हो गए, एक यहाँ पर, यह नट खोल लिया है पहले, दो इसके नीचे रहते हैं, तो चारों बोल्ट खोल के नट इसके ECM बाहर आ जाएगा। एंड वो दूसरा वाला जो ECM रखा है उसको इसमें लगा देंगे। तो ये खुल चुका है ECM, ठीक है। एंड ये देखिए इसकी सेम पिन है, सेम कनेक्टर है, एंड इसी तरीके का है ये भी। इस पर देखते हैं पार्ट नंबर भी सेम है क्या, रेनॉल्ट, ये पार्ट नंबर इसका हो गया, इस पर थोड़ा अलग है, बट इस पर थोड़ा अलग है, ठीक है, पर ये होता है पार्ट नंबर 2371100764R, ठीक है। एंड इस पे भी 2371100764R, तो ये ECM सेम ही है। अभी इसको हटा देते हैं जो इसका गाड़ी का है, एंड इस वाले ECM को इसमें इनबिल्ड कर देते हैं। तो दोस्तों ECM तो हमने उसमें लगा दिया है, एंड अब लगाएंगे BCM। एंड यहाँ देखिए BCM के हमने कनेक्टर निकाल लिए दोनों, और BCM हाथ हटा जरा बाबू, BCM होता है ये देखिए ऊपर की साइड में देख रहे होंगे आप, तो ये इसका BCM है, ब्लैक कलर का जो डब्बा सा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो पेच टाइट हो रहा है ये BCM में ही टाइट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर इसमें भी है ना एक स्क्रू की जगह, ऐसे ही इसी में भी है। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये BCM इसका बिल्कुल ओके है, तो इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे, ये कनेक्टर हमने निकाल लिए हैं इसके दोनों, इन कनेक्टरों को इस BCM में लगा देंगे, एंड इस BCM को यहीं पर लगा के छोड़ देंगे। मतलब ये कनेक्टर हमें इस BCM में लगा देने हैं बस, दूसरी गाड़ी का जब हम लगा रहे हैं तो, ठीक है। तो देख लेना है, उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, और बैठते ही आवाज़ आनी चाहिए जैसे इसमें आई है, ऐसे ही ये ब्लैक कलर का लगाना है, ठीक है, ये इसका तरीका इस तरीके से जैसे ECM का कनेक्टर लगाते हैं। ये लगा दिया, इसको यहीं पे ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि वापस से हमें उस गाड़ी में ये लगाने हैं कन्फर्म करने के बाद। अभी हमें लगाने हैं इसमें ये उसी गाड़ी की चाबी है, एंड ये इमोबलाइज़र है, तो ये हमें इमोबलाइज़र का इसके अंदर से कनेक्टर को निकाल लेना है, ये ब्रैकेट खुलेगा पूरा, ये वाला कवर खोलने के बाद इमोबलाइज़र ये यहाँ पर है ना, ये इसका कनेक्टर निकाल लेंगे, इमोबलाइज़र में लगा लेंगे, फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे। एंड इसके ये जो कवर निकालते हैं स्टेरिंग का, इसके अंदर ही क्लॉक स्प्रिंग रहती है, एंड क्लॉक स्प्रिंग की वीडियो डाली है मैंने निसान टरेनो की, लिंक डाल दूँगा आप देख लेना, एंड और भी दो चार वीडियो हैं उनके भी लिंक डाल दूँगा निसान टरेनो की, जैसे की कोडिंग हो गई। तो यहाँ पर ये दो होल होते हैं, इनमें स्क्रू लगे रहते हैं, मतलब इसके खोलने के, तो इसको खोलने के बाद ये ब्रैकेट बाहर आ जाता है पूरा आराम से। तो अब निकाल, ठीक है, तो ये निकल गया इसका ब्रैकेट नीचे वाला। एंड ये देखिए दो स्क्रू इसमें हैं, ठीक है, तो ये दोनों स्क्रू टाइट रहते हैं। एंड ये होता है इमोबलाइज़र, हमें ये कनेक्टर निकाल लेना है, ठीक है, निकाल के उस वाले इमोबलाइज़र में जो हम दूसरी गाड़ी का लाए हैं उसमें लगाना है, ठीक है। तो अभी इसमें लगा दिया हमने, एंड वो जो चाबी है वो इसके अंदर रखनी है, इसी की वो वाली चाबी दूसरी तरफ से रख बाबू, इस तरफ से, ठीक है। चल अभी स्टार्ट कर जरा गाड़ी, कर डरे ना हो जाएगी, हाँ होगी स्टार्ट। तो ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, एक्सेलेटर दे हल्का सा, वो देखो RPM, ठीक है, लाइट भी गई, गाड़ी स्टार्ट, एंड देखिए लाइट भी चली गई है। अभी रोड टेस्ट भी करेंगे हम, ठीक है। एंड देखिए इस तरीके से कनेक्टर में इमोबलाइज़र रख दिया और चाबी रख दी, अगर चाबी को हटा दोगे तो स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी, मैं दिखाता हूँ जरा, बदतमीज़ गाड़ी है, अभी देखते हैं यार निकाल के, वैसे स्टार्ट हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है, कर जरा इसे बंद करके स्टार्ट कर, चाबी देखो मेरे हाथ में है, ये स्टार्ट हो जाएगी, इमोबलाइज़र ही चाहिए बस इसको, कर मार सेल्फ, हाँ हो गई, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी रख दो चाबी को इसी में, ठीक है। एंड अभी चलते हैं रोड टेस्ट पे।
तो दोस्तों एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई है इंजन का साउंड एकदम चेंज हो गया, देख रहे हो, बिल्कुल जैसे नॉर्मल होता है ना उसकी तरह स्मूथ हो गया एकदम, ठीक है। एंड ये अभी इसे हमने इसमें लगा दिया है इनका, दूसरी गाड़ी का, और आप समझ गए होंगे कैसे किसी दूसरी गाड़ी का लगा के कैसे गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। पर अब चलते हैं एक बार रोड टेस्ट पे, वैसे तो कन्फर्म है, पर अब रोड टेस्ट पे अगर लाइट आती है तो फिर कुछ और होगा, ECM तो होगा नहीं, ठीक है। और अगर नहीं आई तो फिर कन्फर्म हो गया कि ECM रिप्लेस होना है। तो गाड़ी के अभी किलोमीटर हैं ये देखिए 146090, एंड ये हम चलाएंगे इसको, मतलब 146090 है तो 146120 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक गाड़ी हम चलाएंगे। तो चलो, सेकंड गियर, फर्स्ट में भी चेक किया सर हल्का सा 2000 RPM तक ले जाके, सेकंड गियर में ही चला रहा हूँ गाड़ी। अभी भी सेकंड गियर ही है सर, तो दोस्तों देखो किलोमीटर तो चल गए हैं 103, यानी पहले हम 90 पे थे एंड 13 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं। एंड कस्टमर की VOC क्या थी, किस टाइम पर लाइट आती थी, मैं वो दिखाता हूँ आपको। उनका कहना था ये कि जब मैं फर्स्ट गियर में तो गाड़ी उठती है नॉर्मली, ठीक है, तो वो कहते हैं कि सेकंड गियर में, फर्स्ट गियर में जैसे गाड़ी उठ गई, ये फर्स्ट गियर में उठ गई, तो सेकंड गियर में जैसे, ये देखिए सेकंड गियर में लगा दिया, वो कहते थे कि मैं एक्सीलेटर देता हूँ पूरा भर के इस तरीके से, ठीक है, एंड तीसरा गियर, तो ऐसे में ही तुरंत लाइट आ जाती थी, ठीक है। तीसरे गियर में तो कभी कभी आती थी, बट सेकंड गियर में जब भी वो एक्सीलेशन देते थे इस तरीके से, रास्ता क्लियर है अभी, तो तुरंत लाइट आ जाती थी। अभी कोई लाइट वाइट नहीं आ रही है, ठीक है, और थोड़ा सा चलते हैं लंबा, देखते हैं फिर, ठीक है। मतलब उनका कहने का यही था यार, दूसरे गियर में एक्सीलेटर देके जैसे पिकअप से उठाते हैं ना गाड़ी, तो उसमें लाइट आ जाती थी अचानक। अभी बस बढ़िया चल रही है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड देखते हैं अभी बस, अब सीधा चलाने के बाद ही वीडियो बनाएंगे, एंड गाड़ी चलाते टाइम वीडियो नहीं बनानी है आपको, मतलब फ़ोन यूज़ नहीं करना है, सिर्फ मैं तो आपके लिए दिखा रहा हूँ। और मैं ऐसे रास्तों पे चल रहा हूँ जहाँ बहुत कम ट्रैफिक होता है, ठीक है, रोड टेस्ट के लिए बोलते हैं, जो रास्ते यूज़ करते हैं उस रोड पर चलता हूँ मैं, तो आप कभी गाड़ी चलाते टाइम फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो चलो अब बस तभी लेके आएंगे वीडियो को, मतलब अगला जो स्टेप है उसको तभी करेंगे जब गाड़ी के किलोमीटर और चल जाएंगे 118-20 से ऊपर। तो दोस्तों देखो 146151 यानी 61 किलोमीटर हम गाड़ी को चला के आ गए हैं। हर तरीके से हमने गाड़ी चलाई है, हर गियर में एक्सीलेटर दे के चेक किया है, अभी तक कोई लाइट नहीं आई, तो इसमें कन्फर्म हम हो गए हैं ECM ही ख़राब है। पहले से भी था पर ECM डाल के हमने दूसरी गाड़ी का चेक कर लिया एंड कन्फर्म हो गए हैं। बट ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन, इसमें कन्फर्म हमें पता चल गया कि ECM डलना है, ठीक है। अभी इसका पुराना ECM भी मैं लगाऊंगा, उसमें भी देखेंगे लाइट आती है कि नहीं आती है। वैसे उसमें मैंने आपको दिखाई दिया था, ठीक है, पुराना ECM लगाने के बाद दोबारा गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे एंड चलेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं लाइट आती है कि नहीं आती। और अगर लाइट आ जाती है तो फिर पक्का 100% श्योर हो जाएंगे हम कि हाँ भैया ECM ख़राब है, ठीक है। तो चलो अब इसका सारा सामान, जैसे वो BCM हो गया, ये इमोबिलाइज़र हो गया, जो गाड़ी का ECM है उसको वापस दे देते हैं। तो अब वापस से इसका सारा सामान पैक कर रहे हैं हम। देखिए ये इसका इमोबिलाइज़र का कनेक्टर था जिसमें हमने ये इमोबिलाइज़र लगाया था, ये हटा दिया मैंने, वापस इसमें लगा दिया है। एंड अभी इस BCM को भी निकाल लेंगे, ठीक है, वापस इसके कनेक्टर ऊपर उस BCM में लग जाएंगे। तो इसका ये कनेक्टर ऐसे निकलता है,
ठीक है। एंड ये वाइट वाला भी ऐसे ही निकलेगा, डालते हुए तो मैंने दिखाया ही था, पर दिखा इसलिए रहा हूँ आपको, कभी ये कहो यार दिखाया ही नहीं, उसी गाड़ी पे चला दिया है ना। अब इसका ये ECM भी खोल रहे हैं हम, ठीक है, इस जो हमने दूसरी गाड़ी का लगाया हुआ था, तो ये ECM भी बाहर आ जाएगा। तो मतलब ये जो मैंने आज प्रोसेस आपको दिखाया है, ये कन्फर्मेशन प्रोसेस है। मान लो आप डाउटफुल हो, ठीक है, तो ऐसे आप कन्फर्म हो जाएंगे। एंड ये देखिए, ये ECM था, ठीक है, बहुत गर्म है इस टाइम ये, तो अभी इसको वापस कर देंगे और अपना ECM वापस लगाएंगे। देखिए इस गाड़ी पे, इस ECM पे कहीं भी कोई वो नहीं है ना नंबर। एंड अब जो इसका ECM मैं लगाऊंगा वो वाला दूसरा है, ठीक है, तो ये दूसरा है, उसको मैं रख के आ गया हूँ वहाँ गार्ड रूम में, भैया इंस्टॉल देना पड़ता है वापस, ठीक है। एंड इस पे देखो ये लिखा हुआ है नंबर गाड़ी का, ठीक है ना, तो अभी इसको लगा देते हैं वापस। तो दोस्तों, पुराना जो इस गाड़ी का ECM था उसको लगा के जब हम चले, तो ये देखिए लाइट आ गई है, ठीक है, एंड बिल्कुल भी पिकअप नहीं ले रही गाड़ी है, ठीक है। इधर ये RPM है, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो गाड़ी की सुई उठ रही है, इस तरफ देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुल 20 से ऊपर ही जा रही, ऊपर नहीं जा रही गाड़ी, ठीक है। तो इससे कन्फर्म हो गया कि गाड़ी का ECM फॉल्टी है, ठीक है। एंड देखिए सेकंड ही गियर है अभी भी गाड़ी का, ये यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, ठीक है। तो कन्फर्म हो गया कि इस गाड़ी का ECM ख़राब है। ये प्रोसेस भी अगर आप कर सकते हो अपनी गाड़ियों में कर सकते हो, तो आप कन्फर्म हो जाओगे, ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी चेक करो, वायरिंग चेक करो, ठीक है, एंड सेंसर का रेजिस्टेंस क्या है वो चेक करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डायरेक्ट दूसरी गाड़ी का, सेम मॉडल गाड़ी का सामान लगाओ और चला के देखो। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।